अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबाए कराम, उम्मीद करता हूँ अहबाब खैर से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम तफसीर जलालैन के दर्स नंबर 86 में सिपारा नंबर 17 से सूरह अंबिया की मुंतखब करदा आयात 84 से लेकर 86 तक पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें कलाम बारी ताला व कलाम मुफस्सिर का तर्जमा होगा। रब्त व ताल्लुक़ आयात को ज़िक्र किया जाएगा। कलाम मुफस्सिर की तशरीह व तौदीह करते हुए दर्स पर वारिद होने वाले एतराज़ात का जवाब देने की सआदत हासिल करेंगे। आइए तलबाए कराम बिला तखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब तआला ने इरशाद फरमाया, फ़स्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिम व आतैनाहु अहलहु व मिथलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। आइए तलबा कराम, सबसे पहले इन आयात मुक़द्दसा का माक़बल आयात के साथ रबत और ताल्लुक़ जान लेते हैं। इन आयत मुक़द्दसा का पहला ताल्लुक़ मुफस्सिरीन किराम पिछली आयत से कुछ यूँ बयान करते हैं कि पिछली आयत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो रब ताला की तरफ से आजमाइशें आईं और आपके ऊपर मुसीबतें नाजिल हुईं, उन मुसीबतों की वजह से आपने रब से दुआ के लिए हाथ उठाए। अब इन आयत में बताया जा रहा है कि अय्यूब की दुआ की वजह से हमने उनकी मुसीबतों को दूर कर दिया। दूसरा ताल्लुक इन आयात का माक़बल आयात के साथ कुछ यूँ बयान करते हैं कि पिछली आयात में हज़रत अय्यूब के ऊपर आने वाली मुसीबतों और उनकी तंगदस्तियों का जिक्र हुआ है। अब इन आयात में हज़रत इस्माईल व इदरीस के बारे में बता रहे हैं कि वो भी बड़े साबिर नबी थे। तीसरा ताल्लुक इन आयात मुक़द्दसा का माक़बल आयात के साथ कुछ यूँ पेश करते हैं कि पिछली आयात में हज़रत अय्यूब को जो शैतान की तरफ से आजमाइशें दी गई, आपको तंग किया गया और आपको आजमाने की कोशिशें की गई, आप साबित कदम रहे, उन बातों का जिक्र है। अब इन आयात में बताया जा रहा है कि बकिया अम्बिया किराम के साथ भी शैतान ने ऐसे ही खेल खेले और वो भी उसके खेलों के अंदर वो भी साबित कदम रहे और साबिर रहे। फिर रब ताला ने उन्हें भी अपनी रहमतों से नवाज दिया। आइए तलबा किराम, रब्तो ताल्लुक़ आयात के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स के तर्जमा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला ने इरशाद फरमाया, फ़स्तजबना लहू निदाअहू। बस हमने अय्यूब की दुआ कबूल कर ली और उनकी जो भी तकलीफ़ थी उसको हमने दूर कर दिया, और हमने आतैनाहु अहलहू, उनको उनके अहल यानी औलाद, वो उनके बेटे और उनकी बेटियां, हमने उन्हें अता कर दिए इस तरीक़ा से कि उन्हें ज़िंदा कर दिया। व कुल्लुम मिन सनफ़ैनि सलासन औ सबअन, और बेटों में से या बेटियों में से दोनों सिनफ़ों में से तीन या सात सात करके अता किए गए। व मिस्लहुम माहुम, और उनके साथ उतने ही और भी अता किए। मिन ज़ौजतिही, उनकी बीवी से, और उनकी बीवी के ऊपर शबाब को दोबारा से वापस भेज दिया गया। वकाना लहू, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक खेत जो था वो गंदुम का था और एक खेत जौ का था। फ़बअसल्लाहु सहाबतैन, बस अल्लाह ताला ने दो बादलों को भेजा और एक बादलों के टुकड़े ने गंदुम के खलियान के ऊपर सोना बरसा दिया और दूसरे बादलों के टुकड़े ने जौ के खेत के ऊपर चांदी बरसा दी, यहाँ तक के बह पड़े। रहमतन अपनी खुसूसी रहमत की वजह से ये मफ़ऊल लहू वाक़े हो रहा है। मिन इंदिना हमने अपनी तरफ से खुसूसी रहमतें अता फरमा दी। व ज़िक्रा लिल आबिदीन और ये नसीहत है इबादत करने वालों के लिए। लियस्बिरू फयुसाबू ताकि वो सब्र करें, फयुसाबू और उन्हें सवाब अता किया जाएगा। वज़कुर याद कीजिए इस्माईल और इदरीस और ज़लकिफ़ल के किस्से को, कुल्लुम मिन साबिरीन ये सारे के सारे सब्र करने वालों में से थे। अला ताअतिल्लाहि व माआसिही अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करने वाले थे और उसकी मासियत से बाज रहने वाले थे। वह अदखलनाहुम और हमने इन्हें दाखिल किया अपनी रहमत में, यानी हमने इन्हें नबुव्वत अता कर दी। इन्नहुम मिनस्सालिहीन बेशक वो पकीज़ा लोगों में थे, यानी उनके अंदर सलाहियत थी नबुव्वत को हासिल करने की। ज़लकिफ़ल के हवाले से बता रहे हैं कि ज़लकिफ़ल क्यों नाम रखा गया, लिअन्नहु क्योंकि वो दिन को सारा दिन रोज़ा रखते थे और रात को कियाम किया करते थे सारी रात, और लोगों के मबैल फैसला किया करते थे बगैर गज़ब और गुस्सा के। इस चीज़ को उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। और आपके बारे में फरमाया जाता है वकील लम यकुन नबीयन आप नबी नहीं थे और आपने अपने इस फैसले को फवफ़ा बिज़ालिका बड़ी बखूबी निभाया था, इसलिए आपको ज़लकिफ़ल कहा जाता है। आइए तलबा कराम तर्जमा के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स की तशरीह व तौदीह की तरफ। यहाँ से जिक्र कर रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जितनी आजमाइशें और मुसीबतें आईं, आपका वक्त ऐसा था कि उस वक़्त सब लोगों ने आपको छोड़ दिया जब आपके ऊपर आजमाइश का वक्त आया और सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। जिस्म में भी कोई शदीद किस्म की बीमारी लग चुकी थी जिसकी वजह से ज़बान और क़ल्ब के सिवा कोई हिस्सा भी सालिम नहीं था। इस हालत में भी ज़ुबानों क़ल्ब को अल्लाह की याद में आप मशगूल रखते थे और उसी का शुक्रिया अदा किया करते थे। इस शदीद बीमारी की वजह से आजीज़ों अकारिब आपको छोड़ गए थे और बाहर आपको कहीं डाल दिया था। आपके पास सिर्फ आपकी बीवी ही हुआ करती थी, वही आपकी खबर गिरी रखती थी। आप कूड़े और कचरे की जगह पर 7 साल और चंद माह तक रहे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी मुद्दत 18 साल भी लिखी है। आपकी बीवी ने बड़ी दफ़ा आपसे अर्ज़ की कि आपकी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए ये तकलीफ़ दूर हो जाए, तो फरमाया कि मैंने 70 साल सही तंदरुस्त अल्लाह की बेशुमार नेमतों दौलत में गुजारे हैं, उसके मुकाबले में 7 साल भी मुसीबत में गुजारने मुश्किल हैं। पैगम्बराना आज़म व ज़ब्त और सब्र व सुबात का ये आलम था कि दुआ करने की भी हिम्मत नहीं करते थे कहीं सब्र के ख़िलाफ़ ना हो जाए। बिलाखिर कोई सबब पेश आया जिसने उनको दुआ करने पर मजबूर कर दिया और दुआ सिर्फ यही दुआ की, कोई बेसब्री नहीं थी। हक ताला ने उनके कमाले सब्र पर अपने कलाम में मोहर साबित फरमा दी और फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा हमने अपने अयूब को बड़ा ही साबिर पाया है। इब्ने हातिम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत अयूब की दुआ कबूल हुई फस्तजबना लहू हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनसे सारे नुकसानात को दूर कर दिया और उनको उनके अहल अता कर दिए, यानी उनकी औलाद उनके बेटे बेटियां उनको दोबारा से ज़िंदा कर दिया। ये आपकी औलाद को आजमाइशी तौर पे मौत दी गई थी, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उन्हीं को दोबारा ज़िंदा कर दिया गया था और बाज़ के नज़दीक दूसरी बीवी में से आपको नई औलाद दी गई थी और दोनों सिनफ़ों में से यानी बेटे और बेटियों में से 3-3 या 7-7 और उसी की मिसल अता किए गए। और आपकी साबिका बीवी में से भी और आपकी बीवी के ऊपर दोबारा से शबाब लौटा दिया गया। आपके 2 खेत हुआ करते थे, एक गंदम का था और एक जौ का था। उसके ऊपर रब ताला ने बादल भेजे, बादलों ने उनके अंदर सोना और बेतरतीब चांदी डाल दी, यहाँ तक के रहमत से मालामाल कर दिया। अपनी रहमत से रब ताला ने इन्हें नवाज दिया और ये नसीहत है आबिदीन के लिए ये कि वो सब्र करें ताकि उन्हें सवाब दिया जाए। हज़रत अय्यूब के हवाले से जिक्र करते हैं जब आपकी दुआ कबूल हुई और हुक्म हुआ कि ज़मीन पर एड़ लगाइए, यहाँ से साफ़ पानी का चश्मा फूटेगा और उससे गुसल कीजिए और उसका पानी पीजिए तो तमाम मर्ज खत्म हो जाएगा। हजरत अयूब ने इसके मुताबिक किया तो पूरा बदन अपनी साबिका हालत पर वापस आ गया। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का लिबास भेज दिया, वो ज़ेब तन फरमाया और कूड़े कचरे से अलग होकर एक तरफ बैठ गए। ज़ौजा मोहतरम हस्बे आदत उनकी खबरगिरी के लिए आई तो उनको अपनी जगह ना पाकर रोने लगी। अयूब अलैहिस्सलाम एक गोशा में बैठे हुए थे, उनको नहीं पहचाना इसलिए कि अब तो हालत ही बदल चुकी थी, करम रब का हो चुका था। उन्हीं से पूछा कि ए खुदा के बंदे, तुम्हें मालूम है जो बीमार यहाँ पड़ा हुआ करता था वो कहाँ चला गया? तो हजरत अयूब ने फरमाया कि मैं ही अयूब हूँ, मगर ज़ौजा मोहतरमा ने अभी भी नहीं पहचाना था और कहा अल्लाह के बंदे आप मुझसे तमस्खुर करते हैं। अयूब ने फरमाया फिर गौर से देखो मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और मेरा बदन तंदुरुस्त कर दिया है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसके बाद अल्लाह ताला ने उनका मालो दौलत भी उनको वापस कर दिया, औलाद भी और औलाद की तादाद के बराबर मजीद भी औलाद दे दी। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हज़रत अयूब के 7 लड़के और 7 लड़कियां थी। इस इब्तिला के ज़माने में ये सब फौत हो गए थे। जब अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी तो उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया और उनकी अहलिया से उतनी ही और औलाद पैदा हो गई जिसको कुरान करीम ने वमिस्लहुम माअहुम फरमाया है। और याद कीजिए महबूब इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल के किस्से को, उनका भी तज़किरा कीजिए। वो भी बड़े साबिर थे, अला ताअतिल्ला अल्लाह की इताअत पर सब्र करने वाले थे और उसके नाफरमानी से वो बड़ा ही दूर थे। वादखलनाहुम फी रहमतिना मिन नबुव्वा, और हमने उन्हें भी नबुव्वत अदा की और वो सारे के सारे इस नबुव्वत को, मनसब नबुव्वत को संभालने की सलाहियत रखते थे, पकीज़ा लोग थे। हक ताला ने हज़रत अयूब के सब्र का तज़किरा फरमाते हुए साथ इन हजरात के सब्र का भी तज़किरा फरमाया जो उनके साथ थे। हज़रत इस्माइल का ख़ुद को ज़िबा के लिए बखुशी पेश कर देना एक अजीम इब्तिला व आजमाइश थी जिसमें आप कामयाब रहे थे। हज़रत इदरीस का भी जिक्र कर दिया कि हज़रत नूह के जद्द अमजद हैं, हज़रत आदम के इंतकाल से 100 साल कबल पैदा हुए थे, यानी हज़रत आदम के इंतकाल के वक्त हज़रत इदरीस की उम्र 100 साल थी। आदम की वफ़ात के वक्त 200 साल बाद मबऊस हुए और बिअसत के बाद 150 साल तक ज़िंदा रहे। इस तरह आपने 450 साल उम्र पाई और हज़रत नूह और हज़रत इदरीस के दरमियान 1000 साल का फासला है। ज़ुल्किफ्ल के हवाले से बता रहे हैं कि ज़ुल्किफ्ल क्यों कहा जाता था, ये असल में लक़ब है। हज़रत अयूब के साहबजादे हैं, चूँकि इन्होंने दिन में रोज़ा रखना और रात को क़ियाम करना और किसी को गुस्से के साथ किसी का फ़ैसला ना करने के ज़िम्मा को अपने ऊपर लाजिम कर लिया था और इसी मुनासबत से इनका लक़ब ज़ुल्किफ्ल पड़ गया। ज़ुल्किफ्ल के हवाले से बताते हैं कि वो नबी नहीं थे मगर अबद साले थे। ये बात सही है कि नबी थे और कुरान के उसलूब से भी इस बात की तईद होती है, इसलिए कि कुरान ने अम्बिया को शुमार करते हुए उनका भी साथ जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि ज़ुल्किफ्ल भी नबी ही थे। हज़रत इस्माइल और हज़रत इदरीस और हज़रत ज़ुल्किफ्ल के 3-3 सबर मशहूर हैं। हज़रत इस्माइल के हवाले से जिक्र फरमाते हैं कि पहला सबर ये था कि आपने अपने आप को ज़िबा करने के लिए बिला तअम्मुल पेश कर दिया। दूसरा ये था कि अपने वतन से दूर तामीर काबा और आबादी मक्का की मुशक्क़तें बर्दाश्त की। और तीसरा ये था कि ईफ़ाए अहद में आप कमाल को पहुँचे थे। हज़रत इदरीस के हवाले से भी 3 सबर मशहूर हैं। एक ये कि आप अपनी तमाम उम्र अपनी कौम की अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, बिअसत रिसालत से रिफ़अत आसमानी तक। दूसरा ये कि कौम के जोहला हुमका न कदरों को दरसो तदरीस देने की मुशक्क़त में गुजार दी। और तीसरा ये कि दिन रात तबलीग की मुशक्क़त उठाई और कहीं भी बेसब्री नहीं दिखाई। ज़ुल्किफ्ल के हवाले से भी 3 सबर मशहूर हैं। एक ये कि सारी रात तमाम उम्र हर हाल में नमाजें पढ़ने में गुजार दी, कभी भी सुस्ती या गफलत नहीं की। दूसरा ये कि सारी उम्र हर दिन रोज़ा रखते थे। और तीसरा ये कि तमाम उम्र कभी किसी पर गैज़ गुस्सा और गज़ब नहीं फरमाया था, अगरचे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ली हो। हज़रत ज़ुल्किफ्ल ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था। इन आयत मुक़द्दसा में मुफस्सिरीन किराम कुछ अकवाल करते हैं। ज़ुल्किफ्ल के हवाले से फरमाते हैं इसमें कुछ अकवाल हैं। एक ये कि आप अयूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, मगर ये कौल गलत है। इसलिए कि अयूब के सिर्फ 4 बेटों के नाम तारीख में मशहूर हैं। पहले बेटे का नाम हुरमुल और दूसरे बेटे का नाम ईशान और तीसरे बेटे का नाम रोबेन और चौथे का नाम शमऊन है। इसलिए ये जो कौल है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरा कौल इसमें ये करते हैं कि ये ज़करिया अलैहिस्सलाम जो नबी थे उन्हीं का लकब है। तीसरा ये है कि ज़ुल्किफ़्ल ये इलियास नबी का लकब है। चौथा कौल ये है कि यूशा बिन नून नबी का लकब है। पांचवा कौल यह है कि यसा नबी का लकब है। छठा कौल यह है कि यहूदी कहते थे कि हिजकील नबी का लकब है। सातवें कौल के मुताबिक अक्सरियत के नज़दीक आपका नाम शब्बीर था, आप मुस्तकिल साहिब शरीयत रसूल थे, आपकी नबुव्वत पर कुरानी दलाइल भी मज़कूर हैं।